दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो मैं बता दूं, मेरे पति देव आपको कहीं भी नहीं नजर आएंगे क्योंकि वो जा चुके हैं। और आज मैंने खाने पे बनाया था राजमा चावल, आज मैंने बनाया था क्योंकि हम दोनों में क्या होता है कि कोई फिक्स नहीं है। भले वो उन्होंने बोला कि मैं खाने का मैं डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, ये वो है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अपने मन से करते हैं, क्योंकि जैसे कि मान लो सुबह उठे, अब मैंने उनको देखा कि मैं उठ गई हूँ, अब वो नींद पे है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनको ना उठाऊँ, थोड़ा और सो लें, मैं अपना काम पे लग जाती हूँ, फटफट बनाने लग जाती हूँ। फिर वो नींद उठते हैं, बोलते हैं अरे तुम क्यों बना रही हो, रहने दो, मैं बना दूंगा, ये वो है, तुम अपना दूसरा काम कर लो, ऐसा वैसा। तो मैं बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम करिए, मैं बना देती हूँ। तो हम दोनों के बीच ऐसे चलता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोती रह जाती हूँ, वो मेरे से पहले उठ जाती, तो वो अपने काम पे लग जाते हैं, अब वो बोलती है तुम थोड़ा रिलैक्स करो, मैं कर लूँगा। तो ये हम दोनों के बीच साझेदारी वाला काम चलता रहता है। और क्या है कि सुबह का ब्लॉगिंग मैंने इसलिए नहीं बनाया, और मैं दिखा देती हूँ पहले कितना टाइम हो रहा है। ये देखिए अभी 3:30 से ऊपर हो गए, मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की। उसकी वजह ये कि ना 2-4 दिन से मेरी तबीयत ना बहुत लोलो सी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस कारण ना मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि सुबह सुबह ब्लॉगिंग बनाऊँ। तो बड़े घर का कुछ कुछ काम वाम था, भाई खाना वाना खिला वाला के उनको भेज तो दिया। तो फिर विवेक बोले कि जैसे जिस टाइम थोड़ा अच्छा लगने लगे, थोड़ा मूड अच्छा हो, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देना। तो मैंने सोचा था जब मुझे अच्छा लगेगा ना, तब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करना शुरू कर दूँगी। तो आज मज़े की बात ये भी थी कि ना अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी बहुत प्यारी वाली बारिश हुई है, जिस वजह से क्या है कि मैंने ये मेरी चादर है रस्सी पर डले हुए थे, मैंने कपड़े सुखाए थे तो रस्सी पर डले हुए थे, तो मैंने वो उसको तो ले आया। और फिर ये जो ये दिखा दो, ये स्टैंड को भी मैं अंदर ले आई। क्यों? क्योंकि स्टैंड बाहर रहता है तो बालकनी में छींटे आते हैं ना बारिश के। तो मैंने सोचा कि कपड़े को लाने से अच्छा फटाक से स्टैंड ला के रख दो, फिर जैसे बंद हो जाएगी तो वैसे मैं बाहर रख दूँगी। तो इसको भी अभी मैं बाहर रखूँगी, बालकनी में वापस उसको पहुँचाऊँगी। और सबसे मज़े की बात ये कि अभी मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे पति देव का कॉल आया कि ना उनको थोड़ा टाइम मिल गया है, अभी आधे घंटे के आसपास उनके पास टाइम है, तो फटाक से आएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि मौसम के हिसाब से वो कपड़े चेंज करते हैं। क्या होता है जैसे सुबह टाइम में धूप थी बिल्कुल भी, बारिश कैसी कोई भी वो नहीं था, तो वो शर्ट पहन के गए थे। धूप और मौसम देखते हैं तो शर्ट पहनते हैं, अगर मौसम अच्छा होता है तो टी शर्ट पहनते हैं। तो उनके पास टाइम था तो वो सोचे थे कि फ्रेश होऊंगा और फटाक से ना टी शर्ट चेंज करके जाऊंगा। तो वो अभी आएंगे, तो मैंने सोचा कि मेरे डार्लिंग जब आ ही रहे तो फटाक से, भी 3:30 बज गया, वो 4-4:30 तक ऐसा कुछ आएंगे, है ना। तो मेरे पास टाइम है और मैं फटाफट कुछ नाश्ता बना देती हूँ उनके लिए। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा रसना वगैरह पीऊँगी, जो कि ग्लूकोन डी होता है, एनर्जी ड्रिंक होता है जिसमें हम लोग रसना फ्लेवर मिला देते हैं, तो रसना ही बोलते हैं, तो वो पीऊँगा। तो मेरे दिमाग में आया कि आएंगे यार, तो क्योंकि सुबह सुबह भी निकल जाते हैं टाइम पे, वो 11 बजे तक खाना खाते, फिर सीधे वो 10 बजे आएंगे, तो इतने देर तक भूखा रहता रहा इंसान, थोड़ा तो कुछ खाने का मन करता है। तो मेरे दिमाग में प्लान आया कि तो प्यारा मौसम है तो कुछ नाश्ता उनके लिए बनाती हूँ, है ना। तो फटाफट बिना देर की हुए मैं नाश्ते की तैयारी में भी लगती हूँ, और सबसे पहले ना मैं ये स्टैंड को बाहर रखती हूँ और नाश्ते की तैयारी करती हूँ, सीधे फिर मिलूँगी आपको अपने डार्लिंग के साथ। तो सबसे पहले ना मैं ये स्टैंड को ना बाहर रख देती हूँ। ये टायर है, इजीली ये टायर से आराम से मूव कर जाता है ये। कौन आया? पापा आ गए बेटा, पापा आ गए बेटा। आ जा। मेरा बेटा। पापा आ गए, हम दोनों मिस कर रहे थे पापा को। हाँ डार्लिंग, आप कैमरा बंद करो तो आपको भी ठीक है। ये दोस्तों, तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि मेरे पति देव आ चुके हैं, अब वो फ्रेश होने चले गए हैं, अब वो फ्रेश हो के आएंगे तो हम लोग नाश्ता करेंगे। अब देख सकते हैं पसीना पसीना हो गया क्योंकि मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो हम मिलते हैं सीधे नाश्ते पे। तुम जवानी मेरे नाम कर जा, तुम मेरा नाम ले
लेके मर जा करूं क्या हाय। हो गया हो गया, चलो नौटंकी है एक नंबर की। चलो खाते हैं तो देखिए क्या बनाया है इन्होंने। मेरे को 10 मिनट में निकलना है, फटाफट इन्होंने कुछ पकौड़ा है और ये पीने वाला है। मेरे बन चुके हैं पकौड़े और मैं बता दूं रानी ये पकौड़े आम नहीं है, आम पकौड़े नहीं है ये। क्या कैसा टेस्ट है बताइए, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को मैंने क्या क्या मिलाया। कैसा लग रहा है, टेस्टी है? मजेदार। लहसुन हाँ, अदरक हाँ, प्याज हाँ, और बेसन हाँ, और नहीं पता। और इसमें मैंने डाला है दही और सूजी भी। अच्छा हाँ, सूजी ये। इसे मैंने प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च और क्या कहते हैं दही और सूजी और बेसन इस सब का मिश्रण करके एक नया आविष्कार करके एक मैंने लजीज पकौड़े बनाए हैं जो कि मेरे पति के मुंह में जा रहे हैं। आप प्लीज डालेंगे कहीं, भड़बड़ा के जाते हैं, भड़बड़ा के खाते हैं ये। अभी देखो फिर से कॉल आ गया। हाँ कॉल पे कॉल आ जा रहा है, फिर भाग रहे हैं ये। तो डाली खाइए। और तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे बाद में, है ना। ये कितने कैसे कैसे मैं जल्दी करके बनाई हूँ तो मिलते हैं दोस्तों बाद में, है ना। तभी पति देव खा ले, है ना डाली। मेरे डार्लिंग आ चुके हैं, आती इसको खाना दे, खाना वो खाना छोड़ दी थी, खाई थी। तो ये चिकन चावल है, चिकन चावल दिया था मैंने, तो थोड़ा शोर घूमते घूमते खा लेती है फिर ये। मेरे हाथ से कुछ खाना चाहती है जब मैं आता हूँ। हाँ हाँ तो अच्छा है, कम से कम कुछ लेके आएंगे। हाँ हाँ केला का पता लगाने। हाँ इतना सा केला 60 रुपए दर्जन, हम लोग रखो भाई सोने के भाव में, तुम भी खाओ। हाँ 60 इतने बड़े बड़े केले नहीं सही, मतलब उस दिन अब केला तो बहुत छोटा सा था, मैं बोल रहा था ये तो छोटा सा, मुझे एक ला है तो सर बोलता है और महंगा होगा। हाँ बोले तुम अभी से महंगा बेचो, खत्म करो काम। सही बात है, और महंगा होगा। डार्लिंग को ठंडा ठंडा पानी पिलाओ जानू, पूछने वाली बात है। ठीक है तो मैं पानी पिलाती हूँ, तो दोस्तों मिलते हैं बाद में। पहले आप खाना खा लीजिए, फिर से लड़ाई झगड़ा करते रहेगा। तो ये है क्या, राजमे की सब्जी, मतलब आप। और ये है दूध में मिक्स रोटी, और ये है आपके लिए रोटी राजमे वाली, राजमे के लिए मैंने सिर्फ आपके लिए रोटी बनाई है, अपने लिए नहीं बनाया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे को भूख नहीं लग रही, बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं, इसीलिए डालेंगे। शाम को नाश्ता कर लिए थे ना भैया, फिर आपके फिर मैंने दूसरा चीज नाश्ता बना के स्नैक्स बना के खाया था मैंने, सलोनी बनाए खाया था मैंने। क्या सलोनी की? खा लिया मैंने, ऐसा क्यों ना था आपके सर कसम, आपके सर कसम थोड़ा सी बनाया मैंने, खा लिया आपके सर कसम, सच्ची बोल रही हूँ मैं। तू की लेके आ जाओ, मेरे बिल्कुल ना मन भी नहीं कर रहा खाने का, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तेरे का दोनों दिन धारण करेंगे चुपचाप, बकवास। नहीं मुझे नहीं खाना। लेके आओ बेटा, देखो सर लेके आने के लिए बोले और ये लेके आ गई। आ जा बेटा लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके पापा को दो, पापा को दो, पापा को दो, पापा को दो, चलो दो दो, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। वेरी गुड मेरा बेटा, बहुत बढ़िया मेरा बच्चा, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, बहुत बढ़िया मेरा, अब ट्रीट मिलेगा मेरे बच्चे को। लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। कहाँ गिर गया, लेके आओ, लेके आओ, कहाँ है, वहाँ है, कहाँ गिर गया, लेके आओ, लेके आओ। ओ मिल गया, मिल गया, लेके आओ। वेरी गुड, वेरी, लेके रखती तुम्हारे पैर पे। बहुत बढ़िया मेरी मेरी समझदार बेटी, मेरी सबसे प्यारी बच्ची। तो हम लोग का खाना लग चुका है, लेकिन मेरे डार्लिंग अकेले अकेले खाएंगे, है ना जानू। थोड़ा सा खाना, बिल्कुल भूख नहीं लग रही मेरे को, अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं अपने हाथों से खिला दूं, बिल्कुल 1% खाने का मन नहीं कर रहा, 1% प्लीज यार, उल्टी सी आ जाएगी। दिल से जी भी नहीं कर रहा खाने का, इसलिए। दूध है? दूध है बिल्कुल है। दही है? है। तो अगर भूख लगे तो कॉर्नफ्लेक्स खा लेना, ठीक है। खाने के बहुत सारे ऑप्शन जो मैं खा लूंगी, अभी कुछ भी नहीं खाने का मन कर रहा। दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, आई होप कि हम लोग के ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते होंगे, अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग से नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय बाय।